दोस्तों, CSE की ओर से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आखिर वो क्या अपडेट है। और यदि आप भी CSE चलाते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों चैनल पर नए हो जिन्हें सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें जिससे आगे आने वाला जो भी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो चलिए, तो जैसा कि दोस्तों यदि आप भी CSE सेंटर चलाते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं या आपके पास CSE ID है, तो CSE की ओर से एक नई अपडेट निकाली गई है। उसके बारे में हम यहाँ पर वीडियो में बात करेंगे। आपको पता होगा CSE की ओर से हर समय कोई ना कोई अपडेट निकल के आती रहती है और साथ ही ई डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी कोई ना कोई अपडेट निकल कर आती रहती है। तो आपको इस अपडेट के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पर CSE की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। मैं उसको आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप से ली गई है। फिर ये वैली आपको सूचित किया जाता है कि जिन वैली के CSE सेंटर पर CSE की ब्रांडिंग नहीं है वो सभी वैली को अपने सेंटर पर ये बैनर जरूर लगा लें, क्योंकि CSE सेंटर का ऑडिट होने वाले हैं। सभी सेंटर पर CSE ब्रांडिंग जरूरी है। यानी दोस्तों CSE सेंटर का ऑडिट होने वाला है और सभी CSE सेंटर पर CSE की ब्रांडिंग होना जरूरी है। यानी जो बैनर CSE की तरफ से जारी किया गया है तो आपके सेंटर पर होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं आखिर वो कौन सा बैनर है जो कि आपके CSE सेंटर पर लगा हुआ होना चाहिए। तो चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, जो CSE की ओर से जारी किया गया है इस तरह की ब्रांडिंग आपके CSE सेंटर पर होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का बैनर आपके CSE सेंटर पर लगा हुआ होना चाहिए। सबसे ऊपर CSE ID होनी चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर आप स्टेट लोगो लगा सकते हैं और यहाँ पर आप बैंकिंग का लोगो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका CSE सेंटर का नाम होगा, जो भी आपका CSE सेंटर यानी जो भी सर्टिफिकेट पर नाम है वो सेंटर का आपका यहाँ पर नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा, जो भी आपका एड्रेस है जहाँ पर भी आपका CSE सेंटर चल रहा है या जिस भी पंचायत के लिए आपकी CSE ID इशू हुई है उसका आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा। और बाकी के जो आपको यहाँ पर ये नीचे कई सारे लोगो दिखाई दे रहे हैं, यह लोगो भी आपके CSE सेंटर के बैनर पर होना अनिवार्य है। तो इस तरह से दोस्तों CSE की ओर से बैनर दिया गया है जो कि सभी CSE वैली भाइयों को अपने सेंटर पर लगाना जरूरी है, क्योंकि जल्द ही CSE की ओर से सोशल ऑडिट होने वाले हैं जिसमें कि CSE सेंटर पर इस तरह की ब्रांडिंग आपके सेंटर पर होनी अनिवार्य है। तो इस तरह की दोस्तों आप ब्रांडिंग अपने सेंटर पर लगा सकते हैं। तो अभी यही अपडेट थी जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।